यहाँ से आवाज आ रही थी, हमने सोचा कि एक्सप्रेस पूछा भी तो यहाँ हो रहा है, तो उसने कहा हाँ, इधर आया तो यहाँ पर ये आज गांधी की जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, गांधी जी की। गांधी इस देश के पिताजी हैं, बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। और हमारी तो शुरुआत ही गांधी से ही होती है। वह कक्षा दो में था और उसमें बापू नाम की एक कविता थी। कविता ये थी कि दिखते तो थे दुबले बापू और थे ताकत के पुतले बापू, और सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। तो मैंने कहा कि यही रास्ता मेरा रास्ता है, क्योंकि महात्मा गांधी दुबले पतले दिखते थे, ताकत के पुतले थे। हाँ भाई, ताकत के पुतले तो थे महात्मा गांधी, इस पर तो कोई दोहरा नहीं है। करते क्या थे? सदा सत्य अपनाते बापू। अरे विद्रोही, तू रवाशंकर तब था विद्रोही रे, रवाशंकर तुम कौन सी झूठ बोलते हो, और अगर बोलते भी थोड़ा बहुत है तो उसको भी छोड़ दो, कोई कॉन्शियस हो जाओ, इतनी सी बात है। और सबको गले लगाते बापू। अरे गले लगाने में मेरे से कौन आगे जा सकता है, उसमें तो मैं गांधी जी को बीट कर जाऊँगा। यही रास्ता मेरा भी महाजनों एन गदा से बंद था, और मैं उस रास्ते पर चला। जब हम दर्जा चार में पहुँचे तो तीरथ राज ने गाया लेजिम बजा कर कि सोई गए बापू, सोई गए बापू, बिरला भौरवा वे सोई गए। तो तब हम बिरला को आज की शब्दावली में पूंजीपत वगैरह के रूप में नहीं जानते थे, हम इस रूप में जानते थे कि बिरला और टाटा हमारे देश के ऐसे धनी लोग हैं जिसे सरकार कर्जा लेती है। हमारे भैया बताते थे कि सरकार इनसे कर्जा लेती है। तो महात्मा गांधी को तो हमने अपने घर का आज भी समझ करके प्यार किया था, लेकिन आज की तारीख में हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं तो हम इस बात को इस रूप में समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और तभी हम आपके बीच में बोलने का साहस भी कर पा रहे हैं कि गांधी जी झूठे नहीं थे, उनके साथ झूठ बोला गया। गांधी जी को कभी किसी ने टोपी लगाते हुए नहीं देखा होगा, गांधी जी की टोपी वाली कोई तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, लेकिन गांधी टोपी इस देश में मशहूर है। तो जिस आदमी ने इस गांधी टोपी का प्रचार किया होगा, जरूर टोपियों का बड़ा ठेकेदार रहा होगा। गांधी जी की टोपी को लेकर के लोग टोपी वाले हो गए, उनके खानदान के लोग टोपी लेकर पेट से पैदा होते हैं और गांधी जी को मरवा भी दिया गया और पागल भी घोषित कर दिया गया। सर की थी गांधी जी, इतना अपमान शायद ही किसी आदमी का, इतने महान आदमी का इस दुनिया में हुआ होगा जितना इस महान आदमी का हुआ। और इसलिए हम उन सब की तरफ से महात्मा गांधी के प्रति सिर्फ शर्मिंदा हैं, सिर्फ शर्मिंदा हैं, सिर्फ शर्मिंदा। धन्यवाद।